किसान महापंचायत में बोले हैं राकेश टिकैत। उन्होंने कहा कि किलो पर लेट जाऊंगा, मैं किलो पर लेट जाऊंगा, जनता मेरे ऊपर से गुजर जाएगी। राजा डरता है तो कीले लगाता है, लाल किले पर भी कीले लगाई गई थी, ये राकेश टिकैत ने कहा है। राकेश टिकैत का ये प्रत्युष देखिए कितना भड़काऊ बयान सामने आया है। ये वही राकेश टिकैत जो लगातार ये कह रहे थे कि लाल किले पर जिसने भी इस तरीके की हिंसा की तस्वीर पेश की उसके लिए हम भी शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, हम निंदा करते हैं। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि वही किले लाल किले पर लगाई गई थी, यानी कि जो लाल किले पर हुआ राकेश टिकैत को उसके बारे में पूरी जानकारी थी। अपने आप किले बंदी दिल्ली न करें, जब राजा डरता है तो किले बंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटिल नेता लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए किले, किले गाड़ी गई। अरे किले तो लाल किले के दीवार से भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट में भी गाड़ी गई थी। कहा किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको, लेकर जाए आप पंचायत के लोग लेकर जाएंगे, सोरम के अंदर लेकर जाएंगे। तो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था, उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया वहां की कि उनको लेकर जाएंगे, सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उसमें लेटेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। और चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी बाकी अपडेट के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हितेन हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़े हैं, गाजीपुर से अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हितेन, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लाल किला हिंसा मामले में गद्दार गैंग को झटका मिला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, न्यायिक जांच की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पीएम ने कहा था कानून अपना काम करेगा, याचिकाकर्ता सरकार से अपील करे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सुनवाई के दौरान साफ साफ कह दिया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने साफ साफ कह दिया कि सरकार को ज्ञापन दे, कोर्ट को कोर्ट के पास आने की जरूरत नहीं है, कानून कानून का काम करेगा। पुलिस पर फिर एक बार भरोसा जताया है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जब रोक लगाने की बात दिल्ली पुलिस ने कही थी सुप्रीम कोर्ट में कि रैली पर रोक लगा दी जाए, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा था कि आपका अधिकार क्षेत्र है, आप तय करिए आने देना है नहीं आने देना है। और जब आने दिया गया, रूट बना, तो जब उन्हें धोखा मिला तो अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कानून का काम कानून करेगा, अगर कानून तोड़ा गया है तो कानूनी कार्यवाही होनी ही चाहिए, वो हो रही है। आप सरकार के पास जाइए, सरकार को ज्ञापन दीजिए, सरकार से मांग करिए, जो भी करना है। अक्षय का रुख करते गाजीपुर से बने। देखिए अक्षय, पुलिस के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। तो ये देखिए, ये जो कटीली तारें लगाई गई हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद आपने राकेश टिकैत का बयान सुना जिसमें वो भड़काते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं किलो पर लेट जाऊंगा, जनता मेरे ऊपर से गुजर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि आपको बातचीत करनी है, सीधे सरकार से जाके बातचीत कीजिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम पर, यह बड़ी खबर है। चक्का जाम की आड़ में हिंसा फैलाने की तैयारी की जा रही है, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। घातक हथियारों से फैलाई जा सकती है हिंसा, 26 जनवरी की तरह 6 फरवरी को भी हिंसा हो सकती है। 6 फरवरी यानी ये वो दिन है जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है।